श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शांति। अपने व्यक्तित्व का चित्रण, मैं अमीर हूं, मैं गरीब हूं, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं शादीशुदा जैसे लगता हूं, ये वास्तविक चित्रण नहीं। वास्तविक चित्रण है देह, यह रथ है। देह के साथ तादात्म्य करके जो देही बना है वह रथी है। इंद्रिय इस देह रूप रथ को खींचने वाले घोड़े को हो या गधे को हो है, और इन घोड़ों को पकड़ के रखने के लिए मन रूपी लगाम है, और यह मन रूपी लगाम बुद्धि रूपी सारथी के हाथ में है। अब ये बुद्धि में कौन बैठा है? श्याम या काम? यदि इस बुद्धि में काम बैठा है तो अपना सत्यानाश, श्याम बैठा है तो श्याम का सत्यानाश, अपने को कुछ नहीं होने वाला। देखो महाराज, जब ये चित्रण स्पष्ट हो गया तो सारथी रथ को चलाता है, और सारथी में यदि समझ हो, और समझ कैसी है कि वो लगाम को ठीक से पकड़ सकता है। कल्पना करो, सारथी है एकदम अगरबत्ती ब्रांड, और घोड़े हैं बड़े तगड़े, और वो लगाम को पकड़े बैठा है, और घोड़ों ने दिया झटका तो सारथी घोड़ों के आगे। जस्ट थिंक। तो जो सारथी है वो विवेकवान है, और मन को अच्छी तरह से कंट्रोल में रख करके घोड़ों का नियंत्रण कर रहा है। ऐसा जो रथ होगा वही अपने लक्ष्य पर पहुंचेगा। उसी प्रकार से हम अपने जीवन को चलाने के लिए सबसे आवश्यक बात है कि हमारे बुद्धि में विवेक जागृत हो जावे। जिसके बुद्धि में विवेक जागृत हो गया तो वही जी रहा है, और बाकी केवल मरने का प्रयत्न कर रहे हैं। ऐसे लोग मरने में भी सफल नहीं होते। एक आदमी ने, एक औरत ने 6वीं मंजिल से छलांग मारी, और कहां गिरी? एक मारुति वैन में। तो वैन के अंदर का जो आदमी था वो मरा। आप देखो, कई के लोग असफल होने में एक्सपर्ट होते हैं। तो यह यदि हम अपने आप को ठीक से चलावे तो कहते हैं सहा अध्वनः पारमाप्नोति तद विष्णो हो परमम पदम। तो वह व्यक्ति इसी क्षण इसी स्थान में उस परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। अब ये बताया कि यही इसी स्थान पर कहीं स्थान के बदलने की अपेक्षा नहीं है, कहीं काल के बदलने की अपेक्षा नहीं है, कहीं परिस्थिति के बदलने की अपेक्षा नहीं है। देखो महाराज,
देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति इसमें परिवर्तन न हो करके जो प्राप्ति है वह है परमात्मा की प्राप्ति। यदि कोई ये सोचे कि शादी के बाद सुख मिलेगा या बच्चे होने के बाद सुख मिलेगा या बच्चों की शादी होने के बाद सुख मिलेगा, आज तक बच्चे इसीलिए पैदा होते हैं कि मां बाप को परेशान करना है। इसीलिए इसी क्षण अब इसी क्षण इसी स्थान में उसको पहचानने के लिए अब हमको विचारधारा प्रारंभ करनी है। अधुना यत् पदम गंतव्यम तस्य इंद्रियाणि स्थूलानि आरभ्य सूक्ष्म तारतम्य क्रमेण प्रत्यगात्मतया अधिगम कर्तव्यः इति एवं इदम् अर्थम आरभ्यते। भगवान शंकराचार्य कहते हैं अब हमको उस तत्व को पहचानना है तो उसमें सूक्ष्मता से हमको अपने पास ले जाएंगे, गति से स्थिति में निष्ठा प्राप्त करना, इसको कहते हैं आध्यात्मिक साधना। अभी हम लोग गति में है, 6:38 की फास्ट स्लो में नहीं जाएंगे, तो 6:38 की फास्ट ले लेंगे। तो ये तारतम्य, तारतम्य माने सूक्ष्म क्या है, रिलेशन ईच अदर, ये बताते हैं दसवें मंत्र में। इंद्रियेभ्या पराह्यर्था अर्थेभ्यश्च परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धि, बुद्धेरात्मा महान परः। पहला तारतम्य कहते हैं इंद्रियेभ्या परम मनः, इंद्रियेभ्या पराह्यर्था, हमारे जो इंद्रिय है इससे सूक्ष्म इन इंद्रियों के विषय है। अरे हमको तो उल्टा लग रहा था, भगवद गीता के तीसरे अध्याय में तो दूसरा बताया है, वहां तो बताया है कि विषयों से इंद्रिय सूक्ष्म है, इंद्रियों से मन सूक्ष्म है, और यहां तो उल्टा बता रहे। देखो पर शब्द का अर्थ समझ लो तो ये बात समझ में आ जाएगी। पर शब्द का अर्थ बताते हैं तेभ्या अर्थेभ्या परम सूक्ष्मतरम महत प्रत्यगात्मभूतम च, तीन बातें, जो अत्यंत सूक्ष्म है वो परे है, उसके बाद महत जो बड़ा है वो परे है, और तीसरा प्रत्यगात्मभूतम जो हमारे अत्यंत नजदीक है वो परे है। अब ये तीन शब्दों को पर शब्द का अर्थ में समझ लेना। तो पहले इंद्रियेभ्या पराह्यर्था, जितने भी इंद्रिय है हमारे, इन इंद्रियों की स्थिति किस पर अवलंबित है। जैसे एक आंख के डॉक्टर के पास एक पॉलिटिशियन पहुंच गया, डॉक्टर साहब चश्मा दो, आजा ठीक ठाक देख के देना। तो डॉक्टर साहब बोले बैठो, और बताया, हाँ आप पढ़ सकते हैं इसको, नहीं तो थोड़ा बड़ा किया, अब पढ़ सकते हो, नहीं, फिर इतना 7 इंच का अक्षर, अब पढ़ सकते हो, नहीं, फिर 1 फुट का अक्षर, आप पढ़ सकते हो, नहीं। बोले कैसे संभव है, बोले मुझे अंग्रेजी नहीं आती। आप मुझे बताओ ऐसे ज्ञानी महात्मा जब कहीं मिनिस्टर हो गए तो देश का कितना भला होगा। तो आंखों का अस्तित्व रूप रंग पर है, यदि कोई व्यक्ति केवल अंधेरे में हो तो उसकी आंखें काम करती है कि नहीं कैसे पता चलेगा, नहीं चलेगा। और इसीलिए यह जो विषय है शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन तन्मात्राओं से ही इन इंद्रियों की सिद्धि होती है, और इसीलिए इंद्रियेभ्या पराह्यर्था, अर्थ माने उसके विषय, और अर्थेभ्यश्च परम मनहा, ये जितने अर्थ है शब्द स्पर्श रूप रस गंध, उनमें केवल एक एक ही गुण है,
लेकिन मन कैसा है उससे परे है। माने जब तक के मन इंद्रियों के और विषयों के साथ नहीं होगा तब तक के इन दोनों की सिद्धि नहीं होती। और इसीलिए जब हमारा मूड ऑफ होता है तो उस समय अच्छी चीज भी बुरी लगती है और बुरी चीज तो पूछो ही मत, क्योंकि सभी के सभी हमारे अनुभव मन पर ही अवलंबित है। और इसीलिए मन इंद्रिय और विषय इनके परे है, माने उनसे सूक्ष्म है और उनसे बड़ा है और उनसे नजदीक है हमारे। इंद्रियेभ्यः पराजर्था अर्थेभ्यश्च परम मनः। अब मनसस्तु परा बुद्धि, मन से भी नजदीक सूक्ष्म और बड़ी है बुद्धि। मन केवल उन्हीं क्षेत्र में विचरण करता है जो क्षेत्र उसको ज्ञात है, और बुद्धि ज्ञात क्षेत्र के परे भी चली जाती है। इसीलिए यदि कोई व्यक्ति किसी बात की खोज निकाले तो हम उसको ये थोड़ी कहते हैं कि ये बड़ा इमोशनल है, क्यों इसने रिसर्च किया, नहीं, वो बड़ा इंटेलिजेंट है। माने हमारी बुद्धि ज्ञात क्षेत्र के परे जा सकती है। इंटेलेक्ट कैन पियर्स थ्रू द बाउंड्रीज ऑफ द लिमिटेड नोन नॉलेज। और इसीलिए यह बुद्धि जो है यह मन से भी सूक्ष्म और बड़ी और हमारे पास है। और बुद्धेरात्मा महान परहा, और जो हमारी अकेले की बुद्धि है उस बुद्धि की अपेक्षा में जो समष्ट बुद्धि है महत्तत्व, महत्तत्व माने परमात्मा की जो अनंत शक्ति है जिसको सांख्य प्रकृति कहते हैं और भगवान के भगत माया कहते हैं और वेदांत शास्त्र इसको अचिंत्य माया कहते हैं, यह अव्यक्त नामना जो प्रकृति है इसकी पहली जो अभिव्यक्ति है उसको कहते हैं महत्तत्व। जो अव्यक्त है अनमैनिफेस्ट है उसके बारे में तो कुछ जानने का सवाल ही नहीं। और जब यह अव्यक्त माया शक्ति अभिव्यक्त होती है प्रकृति, तब उसमें ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति ये दोनों कार्यान्वित हो जाती है। अब इसको ऐसा समझो, आपके पास सूखे सूखे चने हैं, उसको सूखे कच्चे चने को खाओ और चबाओ तो चना अंदर दांत बाहर। अब उसी चने को आप पानी में डालो रात भर के लिए तो वही चना फूल जाता है। तो ये जो फूलने के बाद उस चने में जो प्ररोहण शक्ति थी अब वह जागृत हो गई। देखो अब उस फूले हुए चने से पेड़ ऊपर की तरफ उगेगा और उसके जो मूल है वो नीचे की तरफ जाएंगे। तो यह जो स्थिति है बीज की जिसमें पूरी अभिव्यक्ति नहीं हुई लेकिन अभिव्यक्त होने के लिए अब तैयारी पूरी हो गई है, उसको कहते हैं महत्तत्व। तो पहले अव्यक्त प्रकृति और उस अव्यक्त प्रकृति की जो प्रथम अभिव्यक्ति है जिसमें ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति ये दोनों शक्तियां अब जागृत हो गई है, उसको कहते हैं महत्तत्व। और इसीलिए इस महत्तत्व में संपूर्ण विश्व के जो बुद्धियां हैं उसके बीज होते हैं। जैसे उस फूले हुए बीज में उस पूरे पेड़ में कितने पत्ते लगने वाले हैं, कैसा उसका मूल होगा, कौन कौन उसको फल लगने वाले हैं, ये सभी का सभी उसमें निहित होता है। इसी प्रकार से जो महत्तत्व है वह महत्तत्व इस संपूर्ण सृष्टि का समष्टि रूप है, लेकिन जिसमें अभिव्यक्त होने की क्षमता है लेकिन अभिव्यक्ति हुई नहीं।
और इसीलिए इन कंपैरिजन टू द इंडिविजुअल द टोटल इज हायर नियरर एंड सटलर। तो ये होने के पश्चात अब आगे बताते हैं, महतः परम अव्यक्तम अव्यक्तात् पुरुष परः पुरुषान्न परम किंचित साकाष्ठा सा परागति ही। अब यह जो अव्यक्त तत्व है यह महत से भी आगे है, मागे माने यह जो महत तत्व है यह अव्यक्त की अभिव्यक्ति है। और अब यहां आकर के सांख्य भक्ति वेदांत में फर्क होता है। यह जो अव्यक्त है जिसको सांख्य प्रकृति कहते हैं, यह प्रकृति परमात्मा की है ऐसा भक्ति शास्त्र कहता है। वेदांत कहता है परमात्मा के दृष्टि से ऐसे शक्ति का कोई अस्तित्व है ही नहीं। इसको जरा ठीक से समझ लेना। हमारे लिए चीनी मीठी है, चीनी के लिए मिठास क्या है पता ही नहीं। इसीलिए शुगर केन को कभी डायबिटीज नहीं होता। देखो माने अग्नि के लिए गर्मी या उष्णता इसका कोई मायना नहीं है, कारण अग्नि की यह जो दाहिका शक्ति है यह सब पर प्रभाव कर सकती है, अग्नि पर प्रभाव नहीं कर सकती। जैसी हमारी आंखें सबको देख सकती है, अपने को नहीं देख सकती, इसी प्रकार से यह जो परमात्मा की अनंत शक्ति है जिसको अव्यक्त कहते हैं, इस अव्यक्त के परे पुरुष है। पुरुष शब्द के अर्थ दो प्रकार से बताते हैं, पुरुष बारे पूर्णत्वात् पुरुषः, जो अनंत है उसको पुरुष कहते हैं, और जो शांत है उसको क्या कहते हैं, पति। सो पुरी शयनात् पुरुषः, जो देहात्म भाव से जी रहा है वह भी पुरुष, और जो देह को आधार देने के बाद भी देह के कारण जो परिच्छिन्नता का अनुभव नहीं कर रहा है वह पूर्ण परमात्मा, उसको भी पुरुष कहते हैं। देखो तो महता परम व्यक्तम अव्यक्तात् पुरुष परः, और उसके बाद क्या है, पुरुषान्न परम किंचित, इस परब्रह्म परमात्मा के बाद कुछ नहीं है। अच्छा समझ में आया क्या, यह जो टोटल एब्सेंस केवल अभाव मात्र है ये इसका अर्थ नहीं है। पुरुषान्न परम किंचित माने अब पुरुष के बाद और कोई चीज होने की संभावना ही नहीं है। पुरुषान्न परम किंचित और सा काष्ठा सा परागति, यह तारतम्य की पराकाष्ठा है, इसके आगे और कहीं नहीं जा सकते। अच्छा महाराज ये सब बताने का तात्पर्य क्या है, बता तो दिया अब इसे करे क्या। यदि ये परमात्मा ही सब कुछ है तो इस परमात्मा का दर्शन क्यों नहीं होता। इसका दर्शन न होने का कारण हमारे बुद्धि की गड़बड़ी। बुद्धि सूक्ष्म चाहिए। एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोत्मान प्रकाशते, यह परमात्मा सभी में ओतप्रोत है। देखो जिसमें अंदर बाहर ऊपर नीचे बड़ा छोटा मैं तू ये सब भेद समाप्त हो गए हैं, ऐसा जो परमात्मा तत्व है
सभी में ओत प्रोत है। परमात्मा के सिवा अभाव को भी अस्तित्व नहीं होता। एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोत्मा, लेकिन यह गूढ़ होकर के मानो छिप गया है और इसीलिए न प्रकाशते। और इसीलिए परमात्मा का दर्शन, परमात्मा का अनुभव हमको नहीं होता। कारण क्या है? हम बिजी है। देखो, इसीलिए भक्ति शास्त्र कहता है भगवान अपना वैकुंठ मोबाइल चलाता है। भगवान का जो मोबाइल सर्विस है ना, उसका नाम वैकुंठ है, तो लगाता है। और जब उसके मोबाइल लगता है हमारे पास, तो उसको एक ही मैसेज जाता है, द BSNL दैट यू हैव कॉन्टेक्टेड इज बिजी इन बॉम्बे। तो फिर हम तो बंद कर देंगे, लेकिन भगवान छोड़ते थोड़ी है। फिर उनके पास गदा है, एक लगाते हैं। बिजी है क्या? नहीं, खाली है। देखो, तो यह जो परब्रह्म परमात्मा है, यह नित्य उपलब्ध है, लेकिन हम उसको उपलब्ध नहीं है, यह कहने का तात्पर्य। एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोत्मा न प्रकाशते, यह मानो छुप गया है। कारण क्या है? हमारी बुद्धि बड़ी स्थूल हो गई है। स्थूल बुद्धि माने जिस बुद्धि को जो लिखा है वो भी समझ में नहीं आता, तो जो नहीं लिखा है वो कैसे समझ में आएगा? देखो, एक कन्या हमारे पास आई कोई पुस्तक लेकर के, स्वामी जी कुछ मैसेज दीजिए। हमने क्या इसके अंदर क्या मसाज लिखा है क्या? मैसेज दीजिए, इसको पढ़ो और क्या है। नहीं नहीं नहीं, कुछ दीजिए कुछ दीजिए। तो हमने कहा ठीक है, हमने उस पर लिख दिया, इफ यू कैन अंडरस्टैंड माय साइलेंस यू विल अंडरस्टैंड माय वर्ड्स। स्वामी जी इसका मतलब क्या है? चुप। इसका मतलब यही है, हमारी बुद्धि इतनी मोटी हो गई है। मोटा बुद्धि का होना माने क्या? वह बुद्धि जिस बुद्धि में ज्ञाता और ज्ञेय, जानने वाला और जाना गया, यह भेद अभी जागृत है, वह मोटी बुद्धि। या दूसरा अर्थ समझ ले, मोटापन और सूक्ष्मपन किसको कहते? हमने ये उदाहरण आपको बताया था। एक बार एक पति सुबह सुबह उठ करके शेविंग कर रहे थे और उस ब्लेड के कंपनी को गाली दे रहे थे। तो पत्नी वहां स्टैंड बाय होती ही है। पत्नी ने कहा, सुबह सुबह क्या तुमने गाली देना शुरू कर दिया? देखो कैसा ब्लेड है, ऐसे लग रहा है कि मैं प्लोइंग कर रहा हूं, खेती कर रहा हूं, ठीक से बता नहीं क्या हो गया। तो पत्नी कहती है, इसी ब्लेड से अभी अभी मैंने तुम्हारे बेटे की पेंसिल को ठीक किया और तुम्हारी दाढ़ी ठीक नहीं होती। देखो, जो शार्पनेस पेंसिल को छिलने के लिए लगता है और जो शार्पनेस दाढ़ी को करने के लिए, बहुत फर्क होता है। पैसे कमाने की बुद्धि अलग होती है और परमात्मा को प्राप्त करने की बुद्धि अलग होती है। पैसे कमाने की बुद्धि में असंतोष आवश्यक है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, और परमात्मा के बुद्धि में संतोष की आवश्यकता है। पैसे कमाने की बुद्धि में हिंसा चाहिए और परमात्मा की बुद्धि में अहिंसा चाहिए। एकदम विरुद्ध दिशा है। और यह हमारी बुद्धि स्थूल होने के कारण हम प्रभु को नहीं पहचान सकते। तो क्या करें? अपने बुद्धि को सूक्ष्म बनाओ। दृश्यते तु अग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः। तो हमको अपने बुद्धि को सूक्ष्म बनाना है। बुद्धि को सूक्ष्म बनाना माने जो बुद्धि ठीक से विचार करके
इस निर्णय पर पहुंची है कि इस जगत के जिस जिस वस्तु को लेकर हम पागल हो रहे थे, वस्तु को प्राप्त करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, लेकिन वह वस्तु जब उपलब्ध हो जाती है तो उपलब्धि के बाद उस वस्तु की कोई कीमत नहीं रहती। इस जगत की एक भी वस्तु ऐसी नहीं है कि जिसको प्राप्त होने के बाद ये अनुभव होवे कि अब कुछ नहीं चाहिए, कभी नहीं हो सकता। यहां तक आप खाना खाओ, नाक तक। ये अभी अभी बिहार से स्पेशल रबड़ी आई है, खाओगे क्या? अभी रख देना, नहीं नहीं कहेंगे, अभी रख देना, थोड़ी देर के बाद उतर जाएगा तो खा ले। देखो, यह अपना हर एक का अनुभव है, लेकिन जो व्यक्ति अपने अनुभव से भी नहीं सीख सकता उसको भगवान भी नहीं सिखा सकते। तो सूक्ष्म बुद्धि क्या हो गई? सूक्ष्म बुद्धि हो गई जो व्यक्ति अपने अनुभवों से सीखता है, उसकी बुद्धि सूक्ष्म है। एक दो उदाहरण दो। हम सभी के सभी गुस्से के शिकार है, क्रोध करने में उस्ताद है। अब व्यक्ति अपने गुस्से से सीखे कि इस गुस्से के द्वारा अपना ही सत्यानाश होता है और उसके कारण उसका गुस्सा गायब हो गया, तो वह बहुत बड़ा साधक है। और वो साधक हम है। हम आपको बताते कैसे हुआ है। बहुत पुरानी बात है, उस समय हम जवान थे और एक बार हमारे किसी दोस्त ने, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, उनकी कोई पार्टी आ गई स्विट्जरलैंड से, हमको डिनर को बुलाया, हम गए। अब हमको उनको कहते हैं कि देखो, हमारे स्वामी जी जो है ना गीता के बड़े माहिर है, और आप कह रहे थे कि आप जानना चाहते गीता के बारे में, इसीलिए मैंने उनको बताया, बुलाया है, और आप सुनिए उनसे। तो उन्होंने कहा कि महात्मा जी बताइए क्या है गीता वगैरह। तो मैंने अपना धीरे धीरे शुरू कर दिया बताना। जैसे मैं बता रहा था तो बीच में हमारे मित्र मुंह मारना शुरू कर दिए, देखो बाइबल में भी यही लिखा है। एक बार हो गया, दो बार हो गया, तीन बार हो गया, चार बार हो गया, उसके बाद मेरा नरसिंहावतार गारू आ गया और फिर हमने उनकी एक खिंचाई की महाराज, एक खिंचाई करी और खिंचाई कर करा करके जितना खाया था डाइजेस्ट कर लिया और हम घर चले गए। घर जाने के बाद चिंतन किया कि हमने क्या पाया, केवल अपने ही मन को कड़वा किया ना, केवल अपनी ही तो हानि हुई, उसका तो बिजनेस क्लिक हो गया। उस दिन से हमने सीख लिया, जो आदमी गुस्सा करता है वो बेवकूफ होता है, क्योंकि गुस्से के द्वारा पहले अपना नुकसान होता है। जैसे अग्नि जिस लकड़ी में या लड़की में प्रकट होती है, पहले उसी को जलाती है। देखो, ऐसी जो बुद्धि है वह बुद्धि सूक्ष्म है। दूसरा उदाहरण, एक बार हमारा लेक्चर अपने प्रेमपुरी में ही था, पांचवें मंजिल पे नॉर्मली होता है। तो क्या हो गया, हमको बताया स्वामी जी आज नीचे है, तो हम नीचे गए। तो वहां दूसरे सज्जन आ गए, बड़े व्यक्ति, बोले स्वामी जी आप नीचे क्यों जा रहे हैं? हमने कहा हमको बताया लेक्चर यहाँ है। बोले यहाँ कैसे हो सकता है? हमने मुझे क्या मालूम, नहीं 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 यहाँ नहीं होगा। वहां पूरा कैमरा क्या तेरा सब लगा हुआ था और सब पब्लिक बैठी हुई थी, पूरा का पूरा तोड़ताड़ करके फिर पांचवें मंजिल में ले गए। और
हमने कहा आप छोड़ो यही, नहीं 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 यहाँ नहीं हो सकता, ठीक है मैं एक ग्लास पानी पी लूं, नहीं नहीं ऊपर पीना पानी। आप देखो महाराज, ठीक है। और फिर बीच में 10 मिनट थे, हम जाके कमरे में बैठे और दूसरे सज्जन थे, बोले स्वामी जी ये इतना सब हुआ आप इतने शांत कैसे हैं। हमने कहा देखो एक सहज बात है, ऐसा थोड़ी है कि यहां बैठ करके लोग सुनने वाले थे और वहां बैठ करके सुनेंगे नहीं, दोनों जगह नहीं सुनने वाले मुझे मालूम है। देखो किसी भी कारण से अपने को क्रोध जब आता है तो हम वीकलिंग है। कभी ये कल्पना कर सकते हो क्या कि असली लायन, क्लब वाले नहीं, असली लायन जो है वो लायन कभी भौ 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 कहता है? नहीं, एक ही बार रोर करेगा। और अपने बांद्रा के कुत्ते नॉन स्टॉप भौ भौ नॉन स्टॉप गोज ऑन। देखो इसीलिए दृश्यते तू अग्रया बुद्ध्या, जिस व्यक्ति ने अपने अनुभवों से सीखने का व्रत ले लिया है उसको सद्गुरु प्राप्त हो गए हैं। सद्गुरु को ढूंढने के लिए शॉपिंग के लिए मत जाना, हर एक के हृदय में वही एक सद्वस्तु है, उसको पकड़ो। दृश्यते तु अग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः, तो ऐसा जो सूक्ष्म वस्तु के दर्शन के लिए तैयार है, सक्षम है और उसमें तत्पर है, तीन बातें, तत्व को जानने की जिज्ञासा, तत्व को जानने की क्षमता और तत्व को जानने के लिए तत्पर, तीन बात। जिसमें ये गुण आ गए उसकी बुद्धि अत्यंत सूक्ष्म हो गई। और ऐसा ही व्यक्ति उस परब्रह्म परमात्मा को आत्मभाव से पहचान सकता है। हम पर वृत्तियों के, हमारे ज्ञान पर वृत्तियों के पर्दे पड़े हुए हैं, हमारी मीराबाई कहती है घूंघट के पट खोल तो हे पिया मिलेंगे। कौन सा घूंघट है? यही वृत्तियों का, यही मैं का, यही तू का, जिस ज्ञान से द्वैत का दुर्गंध समाप्त हो जाता है उसी ज्ञान में अद्वैत की अभिव्यक्ति होती है। अब देखो ध्यान से सुनना, जैसे हमारे दांत हमारी जिह्वा को काटते हैं तो वहां राग द्वेष की निर्मिति नहीं होती, वहां दर्द जरूर होता है, राग द्वेष निर्माण नहीं होता। इसी प्रकार से जो तत्व में स्थित है उसको भी दूसरा आके मारेगा तो दर्द जरूर होगा लेकिन राग द्वेष की निर्मिति नहीं होगी। जिस अंतकरण में राग द्वेष उत्पन्न नहीं होते वही अंतकरण प्रभु को रिसीव करने का स्थान बन जाता है। देखो अच्छी बात है महाराज, अब हम तैयार हो गए, अब क्या करें बताओ। यच्छेद्वांग मनसि प्राज्ञः तद्यच्छेद् ज्ञान आत्मनि, ज्ञान आत्मनि महति नियच्छेद् तद्यच्छेद् शांते आत्मनि। अब यह ध्यान की प्रक्रिया बता रहे हैं, इसको कहते हैं शास्त्र की भाषा में लय प्रक्रिया। लय माने जैसा ये अपना कार का एंटीना होता है ना, तो कार का एंटीना कैसा है, इसको खींचो तो पहले
सबसे अंदर वाला वो वहां रहेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस प्रकार से जब उसको बंद करो तो एक के एक में ऐसे ही चले गए। अपने कान में लगाने वाला जो वायर होता है ना फोन के साथ, वो कहते हैं किचड़ किचड़ हो जाता है, वैसे नहीं, ठीक से निकला, ठीक से अंदर में चला गया। इसी प्रकार से हम अपने आप को अपने स्वरूप में खींच लेवे। यह जो लय की प्रक्रिया है, यह ध्यान करने की प्रक्रिया की एक कड़ी है। पहले कहते हैं यच्छेद्वांग मनसी प्राज्ञहा। प्राज्ञ माने समझदार पुरुष, प्राज्ञ माने जो अपने भलाई के लिए प्रयत्न कर रहा है, और जिसने अपनी भलाई बाहर में नहीं अंदर में ही है ये समझ लिया है, वह प्राज्ञ पुरुष, विवेकी पुरुष। ये क्या करे, यच्छेद वांग मनसी, पहली स्टेप, इंद्रिय वाणी को मन में खींच लेवे। देखो ध्यान से सुनना, अत्यंत सूक्ष्म विषय है। वाणी का तात्पर्य है सभी इंद्रिय, इंद्रियों को अपने मन में वापस बुला ले। अब देखो क्या हो गया, आप जब शब्द सुन रहे हो तो शब्द सुनते समय आपका तादात्म्य आपके श्रवणेंद्रिय के साथ, कान के साथ होगा, तभी सुनेंगे ना। हाँ, आपका तादात्म्य कान के साथ नहीं था। अच्छा अच्छा अच्छा, देखो तो जब हम किसी शब्द का ग्रहण करेंगे तो उस समय मन का तादात्म्य कान के साथ, और जब आप दो शब्दों के बीच में जो शब्द का अभाव है उसको जब आप ग्रहण करते हो, उस समय आप मन पर चले जाते हो, कान से दूर हो गए। देखो माने जब हम अभाव को ग्रहण करते तब हमने इंद्रियों से अपने आप को बचा लिया। देखो, और ये केवल एक बार क्लिक होने की बात है, कोई छोड़ने की जरूरत नहीं। खूब सिनेमा के गाने सुनो, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, छोड़ो। आप जिस प्रकार से वेदांत का श्रवण करते हो ना, उसी प्रकार से जगत में रहो। माने वेदांत का श्रवण करने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता, उसी प्रकार से जगत में रहने के बाद जब आप पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो आप बड़े वेदांती हो गए हो। यच्छेद्वांग मनसी प्राज्ञहा। तो हमको मन के स्तर पर आके रहना है, माने इंद्रिय और उनके जो विषय है इनसे हमको उपराम होना पड़ेगा। जब तक के इंद्रिय और इनके विषय इनसे अलगाव नहीं होगा तब तक के हम मन के स्तर पर आ ही नहीं सकते। हमारे भगवान रामकृष्ण परमहंस कहते थे, इंद्रियों का विषयों के प्रति जाना माने क्या, माने इंद्रियों को खुजली होना। देखो एक बार हमको किसी ने पूछा था साउथ में, स्वामी जी आप लोग इतना पुस्तक कैसे लिखते हो, आप इतने लेक्चर कैसे देते हो। हमने कहा खुजली के कारण। खुजली ना,
जिह्वा को जब खुजली होती है तब बोलते हैं, और हाथ को जब खुजली होती है तब लिखते हैं। ये पूरी दुनिया खुजली से उत्पन्न हुई। देखो, जहां हमारे इंद्रिय विषयों का गुलाम नहीं बनेंगे तो क्या होगा, विषयों को प्रकाशित करेंगे लेकिन उनके द्वारा प्रभावित नहीं होंगे। तस्मात्त्वम इंद्रियाणि आदो नियम्य भरतर्षभ। इसलिए हे अर्जुन, सबसे पहली बात यह है कि अपने इंद्रियों पर काबू लगाना है। ये जो घोड़े भागे जा रहे हैं विषयों के पीछे, इंद्रियाणि हयान आहु विषयास्तेषु गोचरान, तो यच्छेद वांग मनसी प्राज्ञः। अब दूसरी बात, हम लोग अपने मन के विक्षेपों को लेकर के कंप्लेन मात्र करते हैं और कुछ नहीं करते। हाँ, ये पता नहीं क्या हो गया, मन बड़ा विक्षेपित रहता है, मैंने क्या किया, नहीं फिर मुझे पास क्यों आए, फिर कहाँ जाऊं तो जाऊं कहाँ, कोई सुनता ही नहीं। कंप्लेन करना बंद कर दो और चिंतन करना शुरू कर दो। आप देखेंगे विक्षेप मन में होने का कारण आप कुछ ना कुछ बने हो। देखो, पति बने हो, पत्नी बने हो, भाई बने हो, बहन बने हो, दोस्त बने हो, दुश्मन बने हो, जब आप कुछ भी बनो तो विचारों का तूफान शुरू हो जाएगा। इसीलिए ये बनावटी होना छोड़ दो। तो जैसे आप ध्यान के लिए बैठे और पति पर गुस्सा आ रहा है, कभी उन्होंने उसे भी उठ करके मुझे चाय नहीं दी, तो क्या करो, पति को डिलीट करो। पति को डिलीट करने के लिए उनको घर से मत हकाल देना, ये भ्रांति निकाल देना कि तुम उनके पत्नी हो। शांत रहो, यच्छेद वांग मनसि प्राज्ञः। हमारा एक सिद्धांत है, जो व्यक्ति दूसरे वस्तु के या व्यक्ति के कारण दुखी होता है वो बेवकूफ शिरोमणि होता है। किसी के कारण दुखी मत हो, फिर क्या करो, दूसरों को दुखी करो, स्वयं दुखी मत हो। वो तो हम कर रहे हैं, मैं आधी साधना हो गई, आप सिर्फ आधी बची है। तो यच्छेद वांग मनसि प्राज्ञः, अब मन के स्तर पर आ गए। फिर आगे कहते हैं तद यच्छेद ज्ञान आत्मनि। अब ध्यान से सुनना, हमको अपने मन को जगत से, इंद्रियों को जगत से हटाने के लिए मन पर आना। तो इंद्रियों को जगत से हटाने के लिए प्यार व्यार मैं क्या जानू रे, आहा जबरदस्ती, प्लीज अंडरस्टैंड दिस प्रिंसिपल, यू हैव टू स्टार्ट विथ सपरेशन। जबरदस्ती नहीं माने नहीं, आफ्टर दैट एजुकेट योर माइंड। सपरेशन फॉलोड बाय education of the mind leads to sublimation of the mind। और इसीलिए जो हमारे शास्त्र में नियम बताए हैं, उन नियमों का पालन करने से हम अपने पर नियंत्रण लाते हैं। नियंत्रण लाने के बाद फ्रस्ट्रेट मत होना, अपने आप को पढ़ाना सिखाना, एजुकेट करना। क्या करना, मेरी ऐसी कल्पना थी कि अमुक अमुक वस्तु के सिवा मैं जिंदा नहीं रह सकता हूं, लेकिन 4 महीने से प्याज लहसुन नहीं खाया फिर भी नहीं मरा। माने मेरे अस्तित्व के लिए प्याज लहसुन का होना आवश्यक नहीं। ये यदि आपने सीखा, सीखने के बाद आप चाय में भी प्याज डाल के खाओ कोई बात नहीं, लेकिन पहले सीखो समझो। तो यच्छेद वांग मनसि प्राज्ञः,
उसके बाद जहां मन में आ गए तो मन से निकल जाने के लिए, देखो ध्यान से सुनना, मन से निकल जाना माने जगत के विषयों के भोग उपलब्ध हुए या नहीं हुए उसके कारण मन पर कोई खरोच नहीं आना, उसको कहते हैं मन से बाहर चले गए। फिर कहां चले गए? अपने बुद्धि में आके बैठे। गतासु न गतासुश्च नानु शोचन्ति पंडिताः। बुद्धि में आके बैठना माने चुस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। बुद्धि में आके बैठना माने क्या? अब तो हम दोनों ने वीआरएस ले लिया है, अब क्या करते? अब दोनों एक दूसरे का सर खाते हैं खाने के लिए। देखो अपने बुद्धि को किसी भी कारण से दुखी मत होने दो। यच्छेद वांग मनसि प्राज्ञ तज्जच्छेद ज्ञान आत्मनि। और जहां आप हमेशा प्रसन्न रहोगे ज्ञान आत्मनि महति नियच्छेद। देखो समुद्र की लहरें के रूप में रहो तो एक दूसरे से झगड़ा, कंपटीशन, फ्रस्ट्रेशन, अचीवमेंट, फेल्यूर, एरोगेंस सब कुछ होगा। लेकिन समुद्र के रूप में रहो तो सानू की फर्क पैदा, चाहे लहरें आवे चली जावे। देखो तो वैयक्तिक बुद्धि से हट करके हमको समष्टि बुद्धि में समर्पित होना है। भगवद गीता में भगवान यही बताते, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। माने भगवान की हां में हां मिलाओ। हमारे दुख का एक ही कारण है, हम भगवान के विरोधी पक्ष में खड़े हैं। भगवान की हां में हां मिलाना माने क्या? भगवान कभी दुखी नहीं होते, आप कभी दुखी मत हो। आप तो एक पत्नी के कारण दुखी होते, मेरा कन्हैया देखो 16108 दुखी हुआ, कुछ तो सीखो। क्या उसके लिए 16008 से शादी करनी पड़ेगी? एक से ट्राई करो 16008 की कोई जरूरत नहीं। एक में सफल हो गए जैसे चावल का एक ही दाना दबा के देखते थे पका है कि नहीं, हाँ पक गया, उसी प्रकार से एक पत्नी के साथ सुखी रहो। हम ये नहीं कह रहे एक पत्नी को सुखी करो, वो संभव नहीं, मुझे मालूम एक पत्नी के साथ सुखी रहो। देखो इसके लिए सहज उपाय ये है, अपने व्यक्तित्व को मिटा डालो। देखो दुख की चोट केवल इस मैं पर ही गिरती है, इसलिए जो जितना ज्यादा दुखी वो उतना ज्यादा अहंकारी, जो जितना कम दुखी उतना कम अहंकारी। हमारे कन्हैयालाल आनंद ही आनंद, कारण उनमें ईगो का कहीं नामो निशान नहीं है। तो क्या साधना करनी है? देखो आपके हाथ में माला नहीं पकड़वाई, चंदन नहीं लगाया, गोबर नहीं साफ करवाया और परिक्रमा नहीं करवाई, कुछ नहीं, केवल अपने समझदारी से जियो। यही समझदारी है। जगत के विषय प्रभावित तब बनते हैं कि जब हम वीकलिंग होते हैं। देखो हम किसके यहां गए थे खाना खाने के लिए, हमने अपना ले लिया थोड़ा सा बहुत, न बस हो गया अपने। और जिनके यहां गए आप उनको बड़ा अटपटा लग रहा था, स्वामी जी आपने इतने ही खा गया ना? हाँ मैं इतने ही खाता हूँ, और आपको, आप मेरे को देखे शर्माना मत, मैं उठ जाता हूँ टीवी देखता हूँ। उसके बाद उन्होंने अपना धुमधड़ाका शुरू कर दिया। बाद में उनकी पत्नी आके मुझे कहती, स्वामी जी आप इनको जरा समझाओ ना, अब इनको मैं कैसे बताऊँ, ये बहुत खाते हैं। देखो
ये इतनी विचित्र बात है। दूसरा उदाहरण बताओ, अमेरिका के, अमेरिका के लोग जितने भूखे हैं ना उतने हिंदुस्तान के नहीं है। हम जहां भी जाते थे तो खाना खाएंगे वहां, तो हमको एक ने पूछा, स्वामी जी आप इतना अपने पर कंट्रोल क्यों रखते हो, कैसे रख सकते हो इतना लेकर के खाना खा के उठ जाते हो। हमने कहा देखो मुझे अच्छा खाना दिन में 3 बार मिलता है, तुमको 3 साल में 1 बार मिलता है, इसीलिए दबा के खा लो और कुछ नहीं है। जो भूखा होता है ना वही ऐसा खाता है और फिर धीरे धीरे वो आदत बन जाती है। इसीलिए अपने आप पर नियंत्रण करना इंद्रियों से प्रारंभ करना है। यच्छेद्वांग मनसि प्राज्ञ, ये हो गया ज्ञानेन्द्रियों की बात। अब कर्मेंद्रियों की बात, ज्ञानेन्द्रिय एक है रसना, जिसका हमने उदाहरण दिया। अब दूसरा उदाहरण देते, वही रसना जब जिह्वा के रूप में होती है, हमारे संत ज्ञानेश्वर कहते हैं इस एक को आप नियंत्रण में ले आओ, 2-in-1 है ये, कर्मेंद्रिय भी है और ज्ञानेन्द्रिय भी है, और इन दोनों को लेकर के हम परेशान है, खाने से या बोलने से। जिसने अपने बोलने पर नियंत्रण कर लिया है, क्या कहा आपने, आपको कर रहा है मुझे नहीं तो जिसने जगत में हर चीज को लेकर के कमेंट्री, ओपिनियन, एडवाइस, डिसीजन, नो नीड। हमारे भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को जो उपदेश दिया था उसको याद रखना, हम लोगों ने यहां सुना था कब, द्वापर में। अच्छा, उस समय भगवान ने बताया था कि उद्धव अब तुम यहां से बद्रीनाथ चले जाओ, लेकिन वहां जाके आश्रम मत बनाना, क्योंकि बाबूजियों को आश्रम बनाने का रोग है, आश्रम मत बनाना। फिर वहां जाकर के ऐसे रहो, किसी पर कोई भी टीका टिप्पणी करना बंद कर दो, ना कोई अच्छा है ना कोई बुरा है। तो अपने आप वाणी जहां बंद हो गई, मन वहां शांत हो गया, क्योंकि वाणी मन का ही स्थूलीकरण जो है उसी को वाणी कहते हैं। यच्छेद्वांग मनसि प्राज्ञ, पहली साधना। दूसरी तज्जच्छेद् ज्ञान आत्मनि, समझदारी से जीना, फ्रस्ट्रेट होकर के मत जीना। जहां जहां फ्रस्ट्रेट हो गए हो आपने बुद्धि को ताला लगा करके चाबी फेंक दिए, इसीलिए दुखी हुए। और फिर वहां से निकल करके अपने मैं का तिरस्कार करना है, उसको प्रभु में मिला देना है, और इसीलिए ज्ञान आत्मनि महती नियच्छेद। और अंतिम स्थिति कहते हैं तद यच्छेद शांते आत्मनि, फिर सो मत जाना। देखो ये बहुत सूक्ष्म विचार है, महत्तत्व के बात आती है प्रकृति, प्रकृति के बाद पुरुष आता है। भगवान कहते हैं हिरण्यगर्भ इस स्थिति में आने के बाद प्रकृति से बायपास लेना, कारण जब मन शांत हो जाता है तो हमने अपने आप को यह ट्रेनिंग दिया है, जब मन शांत हो गया तो खर खर शुरू हो गया, बिना वृत्तियों के रहना और नहीं सोना, इसको कहते हैं परमात्मा की उपलब्धि। सुन भी नहीं देते, बोले भी देते नहीं, सुन क्या करते देखो जब ये क्लिक हो जाएगा ना, तब भगवान शंकराचार्य का मंत्र समझ में आएगा, योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीन, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए तज्जच्छेत् शांति आत्मनि, अपने आप को पहचानना मात्र है, और यह पहचान हमको आगे यमराज कराएंगे। और यहां भगवान शंकराचार्य कहते हैं एवं पुरुषः पुरुषे आत्मनि सर्व प्रविलाप्य नाम रूप कर्मत्रयम् यन्मिथ्या ज्ञान विजृंभित
क्रिया कारक फल लक्षणम स्वात्म्य याथात्म्य ज्ञानेन मरीचि उदक रज्जु सर्प गगन मलान इव मरीचि रज्जु गगन स्वरूप दर्शनेन एव स्वस्थ प्रशांतात्मा कृतकृत्यो भवति। जिस प्रकार से हम इस जगत के मिथ्या दर्शन को त्याग करके उसके सत्य को ग्रहण करके शांत हो जाते हैं, इसी प्रकार से हम अपने परिच्छिन्न जीवात्म भाव का त्याग करके अपने स्वरूप में हम शांत होने हो जाएंगे, और यही करना है। उसके लिए क्या करें? उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुरित्या दुर्गम पदस्तत कवयो वदंती। कई लोग स्वामी विवेकानंद को कहते हैं कि देखो स्वामी विवेकानंद ने भी ऐसा ही कहा था जो कठोपनिषद ने कहा है। उन्होंने कठोपनिषद से कहा है। अच्छा अच्छा उत्तिष्ठत, पहले जागो, उठो जागो, उत्तिष्ठत उठो फिर जागो। मालूम है ऐसा क्यों कहा? उल्टा कहना चाहिए था ना, पहले जागो फिर उठो, पहले उठो फिर जागो। कारण क्या है? जागने की समस्या किसी को नहीं है, उठने की ही समस्या है। ऐसा कोई नहीं कि जिसकी नींद नहीं टूटती, और ऐसे सभी है। नींद टूटने के बाद भी पहले बाई करवट पर, फिर रात पर करवटें बदलते रहे, फिर दैनिक करवट पर, और फिर पीठ पर, और फिर पेट पर, और फिर दो ही विकल्प बाकी है, सर पर या पैर पर। देखो हमारा पूरा जो जीवन है ना, वो केवल आलस्य, निद्रा, तंद्रा और प्रमाद में नष्ट हो जाता है। इसीलिए उत्तिष्ठत, पहले उठ के खड़े हो जाओ, जागृत और जागो। भगवान शंकराचार्य कहते अनादि अविद्या प्रसुप्ता उत्तिष्ठत हे जंतवहा। भगवान शंकराचार्य, अरे जंतुओं उठो, मनुष्य कहने से इनकार कर दिया। आत्मा ज्ञान अभिमुखा भवत, और अपने स्वरूप को पहचानने के लिए तैयार हो जा। जाग्रत अज्ञान निद्रया घोर रूपाया सर्व अनर्थ बीज भूताया क्षयम कुरुत। और तुमने जो अपने आप का सत्यानाश करने पर तुले हो, अपना उद्धार करो। देखो दूसरे के उद्धार आज तक भगवान नहीं कर सके, आप किसी के उद्धार के चक्कर में मत पड़ना। ये बहुत बड़ा रोग है दुनिया का भला करना। भगवान कहते हैं उद्धरेद आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत। इस जगत में जो हम आए हैं अपना उद्धार करने के लिए, पब्लिक का उद्धार कोई नहीं कर सकता। इसीलिए इस जागृत नींद में जो हम सोए हुए हैं उससे हमको हट जाना है। तो क्या करना चाहिए उसके लिए? कहते हैं कथम प्राप्य उपगम्य वरान प्रकृष्टान आचार्यान तद्विदः तद उपदिष्टम सर्वांतरम आत्मानम अहम अस्मि इति निबोधत अवगच्छत। फिर आप उस आचार्य के पास जाओ, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। ध्यान से सुनना, एक सूक्ष्म बात है। तत्व को लखाने वाले दो प्रकार के मार्ग है। एक है वो मार्ग जिसको हम लोग जा रहे आचार्य परंपरा से सीखना, दूसरा मार्ग होता है अवधूत मार्ग, सिद्ध मार्ग, जिसमें अपने शिरडी के साईं बाबा और अपने गणेशपुरी के नित्यानंद महाराज, ये सभी के सभी है, वो उस मार्ग में जाते हैं। इन दोनों मार्गों का फर्क क्या है? आचार्य आपको शास्त्र के सिद्धांत को लेकर के धीरे धीरे समझाएंगे, हाथ पकड़ करके आगे ले जाएंगे। देखो ऐसा लिखते हैं, समझाएंगे। और अवधूत मार्ग कैसा है? वहां आपको सिखाएंगे नहीं, बताएंगे नहीं,
ऐसी परिस्थिति निर्माण कर देंगे कि उस परिस्थिति से आपको सीखना पड़ेगा। देखो, जिन्होंने शिरडी साई बाबा की पोथी पढ़ी है या किसी भी संतों की पोथी पढ़ो, आप देखेंगे जितनी पोथियां होती है ना, ये पोथियां ऐसे ही अवधूत संतों की होती है। जैसे शिरडी साई बाबा की पोथी है, गजानन महाराज की पोथी है, ऐसी शंकराचार्य की पोथी है क्या? क्योंकि उनका मार्ग ही भिन्न है। और इन लोगों की पोथियों में क्या होगा, अनेक प्रकार के चमत्कार, उनकी दिव्य शक्तियां, और उसके द्वारा लोगों का कैसा भला हुआ और कैसा करते हैं वो। जैसे एक कोई उनका शिष्य था और उसने दूसरे को पूछा कि भैया तुमने ये ज्ञानेश्वरी का पढ़ना कैसे शुरू कर दिया था? मैंने तो कितने बार ट्राई मारा, होता ही नहीं, बताओ ना सीक्रेट क्या है। अब ये बात बाबा का तो समझ में आई जाए, त्रिकालज्ञ थे, तो उन्होंने ऐसी परिस्थिति निर्माण करी कि उस व्यक्ति को परेशान कर दिया। अब जब वो रोने लग गया, ढोने लग गया, तब उसको बताया कि मैं तुमको साक्षात रत्न देने को तैयार हूं, तुम ये कचरा क्यों इकट्ठा कर रहे हो? ऐसी प्रकार की शिक्षा लेने का अधिकारी सर्वसामान्य जन नहीं होता। इसलिए यहां कहते हैं कि उपगम्य वरान प्रकृष्टान आचार्यान तद्विदाहा। इसलिए सबके लिए यह मार्ग संभव है कि हम अपने घर गृहस्थी को चलावे, रोज नियम से रहे, शास्त्रों का अध्ययन करे और धीरे धीरे अपने समझ में परिवर्तन ले आवे। जहां हमारे समझ में परिवर्तन आएगा, वहां हमारा जीवन निश्चित रूप से बदलेगा। इसीलिए प्राप्य वरान निबोधत, आगे कहते हैं क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया। और यह मार्ग अत्यंत कठिन है। कठिन क्या है मालूम है? इस मार्ग में आपको चाहिए पेशेंस। जिनको फटाफट रिजल्ट चाहिए, क्लिक रियलाइज, फिर वो धोखा खाते हैं। देखो जल्दी कहे की है और जाना कहां है, क्या प्राप्त करना है, क्या नहीं है हमारे पास। इसीलिए जो कली है वो जब अपने स्वाभाविक रिदम में धीरे 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 जब खुलेगी, तो उसमें सौंदर्य भी होगा, उसमें सुगंध भी होगा। लेकिन आप देखेंगे कंपटीशन। तुम्हारा एक जगह में गया था पंचगणी में, हम खड़े थे, हमारी कार गई थी पेट्रोल लाने के लिए। हमने कहा भाई तुम जाके आ पेट्रोल, मैं यहाँ पेड़ के नीचे आराम से खड़ा हूँ, बढ़िया। उधर से एक अम्मा ही जो लेक्चर में आती थी और साथ में एक सज्जन थे, उनकी तरफ देख करके लगा है कि ये पति ही होंगे उनके। पति पति जब साथ साथ चलते हैं ना, तो पति तुरंत दिखते हैं, तेज खत्म हो जाता है फ्यूज बल्ब के जैसे चलता है। तो हमने कहा उस अम्मा को ऐसे मजाक में, हमने कहा अम्मा क्यों बिचारे भोले बाबा को परेशान करते रहती हो? और मैंने कहा क्या शुरू हो गया, स्वामी जी आप भी ऐसा ही कहते हैं। हमने कहा और किसने कहा फिर कहती है इन्होंने आपको आके कुछ बताया क्या? हमने कहा ये तुम्हारे पति है, मुझे मालूम भी नहीं, मैंने ऐसे कैजुअली कह दिया। बोले नहीं स्वामी जी, अब विषय छेड़ ही गया है तो मैं बता ही देती हूं। छेड़ा नगर में पहुंच गए और फिर उन्होंने बताना शुरू कर दिया, स्वामी जी ये सुबह 2 बजे उठते। मैंने भाई उठा मत करो। बोले नहीं 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 सुनो मेरी, सुनो। बोले 2 बजे से उठ करके नहा धो करके 3 बजे से लग जाते हैं ध्यान करने में, 3 से लेकर के 6 बजे तक ध्यान करते हैं।
और 6 बजे ये फिर उठ करके चाय पी करके अब उनका हॉस्पिटल है चले जाते हैं दवाखानी करने के लिए। फिर मैं बोले फिर मैं 7 बजे उठती हूँ, उसके बाद फिर मुझे फोन अटेंड करने ये करने है और मैं कुछ साधना नहीं कर सकती। अब ये ठीक है क्या? न क्या ठीक है, इन्होंने सुबह उठ करके अकेले अकेले साधना कर लेते। देखो कॉम्पिटिशन, आध्यात्मिक मार्ग में चलने वाले व्यक्ति के जीवन में कभी भी कॉम्पिटिशन नहीं होती। इफ यू हैव टू कॉम्पीट, कॉम्पीट विद यूर सेल्फ नॉट विद अदर्स। इसीलिए क्षुरस्य धारा माने हमको बहुत पेशेंस चाहिए, और जिनको पेशेंस नहीं होता है ना, दे वॉन्ट स्वामी जी इज देर एनी शॉर्टकट, देर इज अ शॉर्टकट विच यू कट विच विल कट यू शॉर्ट। डोंट गो बाय दैट शॉर्टकट्स। इसीलिए क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया, मानो बहुत तेज किया हुआ चक्कू हो उसके ऊपर चलना कैसे कठिन है। और कठिनाई यही है, वी लैक पेशेंस। हम चाहते हैं फटाफट हो जाए। ये बात विवेकानंद को पूछी गई थी जब उनको कहा कि आपका यह जो ज्ञान है ये ज्ञान हमको भी दीजिए ना, इतना अच्छा ज्ञान है। तो उन्होंने कहा कि आपको नहीं, बोले मैं डॉक्टर हूँ और मेरा रेट है 1 घंटे का $5,000, इतनी मेरी कमाई है, मुझे जल्दी जल्दी बताइए। उन्होंने कहा देखो 5 मिनट तो निकल गए, अब मैं फ्री तो नहीं दूंगा क्योंकि पैसे की बात तुमने छेड़ी है, तो ऐसे करना तुम्हारा जो ज्ञान है वो मुझे 27.5 मिनट में दे देना, और बाकी के 27.5 मिनट में मैं अपना सब ज्ञान तुमको दे दूंगा। है कभी संभव है क्या, ये डॉक्टरी होने के लिए मुझे 27.5 साल पढ़ाई करनी पड़ी, उसके बाद 27.5 साल मैंने लोगों को मारा तब जाकर के मैं ये डॉक्टर बना। तो 5,000 रुपए 1 घंटे की कीमत के लिए 55 साल बर्बाद करने पड़ते हैं, ये बात तो समझ में आती है। और जो आपको अमूल्य जीवन प्रदान करता है उसको प्राप्त करने के लिए व्हेन वी आर गुड फॉर नथिंग वी आर गुड फॉर स्पिरिचुअलिटी। अब दिल ही टूट गया क्या, सत्संग में जाया करो ना, माने ऑल द हार्ट फेल्यूअर्स कम टू सत्संग। देखो नायमात्मा बलहीने न लभ्यः, यह परमात्मा कायरों को नहीं मिलता, यह परमात्मा उनके लिए नहीं है कि जो दुनिया में फेल हो गए, नहीं। लेकिन हम लोगों की ऐसी विचित्र भावना हो गई है कि जो व्यक्ति हर चीज के लिए नालायक है, सुन नहीं सकता तो सत्संग जाके सुनो, बैठ नहीं सकता तो मेडिटेशन करो, देख नहीं सकता तो पढ़ो, और दो मिनट में नींद आ जाती है सत्संग। तो क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पतस्तत् कवयो वदन्ति। तत्कथम अति सूक्ष्मम ज्ञेयस्य इति उच्यते, स्थूला तावत् इनि इदं मेदिनी शब्द स्पर्श रूप से गंधोपचिता। कहते हैं अब यह जो तारतम्य है उस परमात्मा का जो पुरुष है पराकाष्ठा है, इसके परे और कुछ नहीं, उस परमात्मा को पहचानने के लिए अब कुछ हमको डाटा दिया जा रहा है। अब उस डाटा को लेकर के उसके ऊपर में चिंतन करो। देखो योग शास्त्र कहता है चित्तवृत्ति निरोधः योगः, चित्तवृत्तियों का जो दुश्मन है वो योग है। और वेदांत कहता है चित्तवृत्तियों को रोकना, क्यों डरते हो चित्तवृत्तियों से, मैं तो अपनी आंखें फोड़ लूंगा। आंखों को फोड़ने से कुछ नहीं होगा, आंखों ने कभी आपको कष्ट नहीं दिए,
अपने मन को शराब पिला करके मरवा डालूंगा, उससे कुछ नहीं होगा, फिर वो जगेगा। आवश्यकता है समझदारी की, आंखों से देखो लेकिन रूप रंग में न फंस करके इस रूप रंग का जो आधार है उस परमात्मा को देखो, वही आंखें आपको प्रभु का दर्शन कराएगी। देखो, इसलिए अब उस प्रभु का दर्शन कराने की प्रक्रिया अशब्दम स्पर्शम रूपम अव्ययम तथा रसम नित्यम गंधवच्चयत अनाद्यनंतम महत परम ध्रुवम निचायतन मृत्यु मुखात् प्रमुच्यते। यह जो परमात्मा तत्व है यह कैसा है, तो इसके बारे में यह जो प्रक्रिया है हमारे शास्त्रों की, यह प्रक्रिया ऐसी है, हम जगत का ज्ञान ग्रहण करते हैं केवल इंद्रियों के माध्यम से। किसी व्यक्ति को समझो आंखें नहीं है तो उसके लिए रूप रंग की दुनिया गायब, अंधे को रूप रंग की दुनिया नहीं होती। एक बार आप किसी के यहां गए, बुढ़ाऊ थे कोई, और उन्होंने कहा कि देखो जिनके आप टीवी पर प्रवचन सुनते हो ना वो महात्मा अपने यहां आ गए। अच्छा अच्छा अच्छा, उनको ले आओ। वो जी ले गए और बूढ़े थे, मैं उनके पास बैठा, बोले महात्मा जी आपका चेहरा कहाँ है? तो मैंने ये यहाँ है। बोले नहीं नहीं मेरे हाथ वहां ले जाओ। मैंने उनके हाथ लिए, फिर उन्होंने पूरे मेरे चेहरे पर लगा। अच्छा आपको दाढ़ी भी है? हमने कहा नीचे दाढ़ी है ऊपर डिफॉरेस्टेशन है। बोले हाँ ठीक है, ऊपर भी कुछ नहीं है। और उसके बाद अच्छा आप चश्मा भी लगाते हैं? माने वो मुझे सुन रहे थे लेकिन रूप रंग क्या है उनको उसका ज्ञान नहीं। तो हमारा सबका जो ज्ञान है केवल इंद्रियों के माध्यम के ज्ञान को ही हम ज्ञान कहते हैं। भगवान कहते हैं कि परमात्मा वो है अशब्द, कानों का व्यापार नहीं। उसके बाद अस्पर्श, हमारे त्वचेंद्रिय का चमड़ी का व्यापार नहीं। और अशब्दम स्पर्शम अरूपम, आंखों का व्यापार नहीं। और अरसम, वहां भगवान की टेस्ट नहीं ले सकते आप। और अगंधवच्च, भगवान की खुशबू भी नहीं आती। ज्यादा से ज्यादा बेल मिल जाएगी, खुशबू नहीं आएगी। अशब्दम स्पर्शम रूपम अव्ययम, और इसके कारण अव्ययम, जिस वस्तु को गुण होते हैं वही नष्ट होने की संभावना है। इस परमात्म तत्व को गुण न होने के कारण इसका खर्चा होता नहीं, नष्ट नहीं होता, और इसीलिए यह नित्यम, हमेशा ज्यों का त्यों है। और अनादि, जिसका प्रारंभ नहीं है, अनंत, जिसका अंत नहीं है, महतः परम, जो यह हिरण्यगर्भ की स्थिति है उससे भी जो परे है, ध्रुवम, जिसमें कभी किसी प्रकार का नाश संभव नहीं है, ऐसे तत्व को निचायतन मृत्यु मुखात प्रमुच्यते, ऐसा जो व्यक्ति इस अपने स्वरूप को पहचान लेता है वह मृत्यु के मुख से बच जाता है। अब ध्यान से सुनना, मृत्यु किसको कहते हैं? तद एवं भूतम ब्रह्म आत्मानम निचाय अवगम्य तम आत्मानम मृत्यु मुखाद मृत्यु गोचराद अविद्या काम कर्म लक्षणाद प्रमुच्यते विमुच्यते। मृत्यु किसको कहते हैं? हमने जब अपने को अज्ञान से जीव माना है और जीव होने के कारण हमारे हृदय में इच्छाएं होगी और इच्छाओं के कारण हम कर्म में फंसे रहेंगे। अविद्या काम कर्म, इन तीनों के फंदे में फंसना माने मृत्यु का शिकार होना। कर्म नहीं, इच्छा नहीं, अज्ञान नहीं, तो परमात्मा ही मात्र है। देखो संसार, संसार माने पति पत्नी नहीं, वो तो नाटक है। संसार माने अपने को परिच्छिन्न मान करके जगत के इच्छाओं को पूरा करने के लिए प्रयत्न करने वाला जो परेशान व्यक्तित्व है वह संसार है। तो
यह मृत्यु मुखात प्रमुच्यते, मृत्यु के मुख से हट जाता है, माने इसके बाद वह अपने को हीन दीन नहीं स्वीकार करता। इस प्रकार से नाचिकेतम उपाख्यानम मृत्यु प्रोक्तम सनातनम श्रुत्वा उक्त्वा च मेधावी ब्रह्मलोके महीयते। यह जो नचिकेत की कहानी है, इसके ऊपर जो चिंतन करेगा साधु संतों के बीच में, और इसी प्रकार से इसका पाठ श्राद्ध के समय किया जाता है, जो इसका पाठ इत्यादि करेगा तो कभी ना कभी यह क्लिक हो जाएगा कि तत्व क्या है। जब तक इस तत्व को नहीं पहचानते, हम जिंदगी भर दुखी रहेंगे, और इसीलिए अपने स्वरूप को पहचाना, जिसमें जीवात्म भाव और देहात्म भाव दोनों कल्पना है, वास्तविकता नहीं है, यही मैं से मुक्ति है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो